हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडोजोन इंडिया में। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी और ऑल न्यू महिंद्रा थार के बारे में। जानते हैं आज ये दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है और आपके नीड के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इन गाड़ियों के अगर मैं इंजन की बात करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं मारुति जिम्नी के इंजन से। मारुति जिम्नी में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 102 पीएस की पावर जनरेट करेगा एट 130 एनएम ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ जाएगी। अगर आप महिंद्रा थार की बारे में बात करोगे तो इसमें आपको बहुत ही पावरफुल 2.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाएगा। ये आपको 105 पीएस की पावर एट 247 एनएम ऑफ टॉर्क में मिल जाता है। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। इसी में ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी सुविधा दी गई है। अगर हम ओवरऑल इसे देखते हैं तो इंजन वाइज अगर हम बात करेंगे तो महिंद्रा थार ये गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है मारुति सुजुकी जिम्नी के कंपेयर में। आइए गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। अगर आप मारुति जिम्नी की बात करेंगे तो ये गाड़ी लेंथ वाइज 2645 mm है, विड्थ वाइज 1645 mm, हाइट है इस गाड़ी की 1725 mm। गाड़ी में आपको 2250 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको 4 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शंस में मिलेगी। स्पेसिफिकेशंस के फिगर्स को आपको ये देख के तो पता चल ही गया होगा कि जिम्नी ये थार के कंपेयर में काफ़ी छोटी गाड़ी है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिम्नी में आपको काफ़ी कम स्पेस मिलेगी एज कम्पेयर टू थार। थार जो है ये गाड़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी पैसेंजर्स के लिए। इवन अगर आप गाड़ी के इंजन के बारे में भी देखोगे तो सुजुकी जिम्नी में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है। उसके अलावा थार में आपको 2.5 लीटर CRD यूनिट मिल जाता है डीजल इंजन के साथ। ये गाड़ी आपको ना तो सिर्फ 3 पीएस की पावर ज़्यादा देती है बल्कि आपको 117 mm ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है जिम्नी के कंपेयर में। साथ ही साथ अगर आप वेट टू पावर रेशियो देखोगे तो जिम्नी का वेट टू पावर रेशियो है 89.87 पीएस पर टन, जो थार का है 67.7 पीएस पर टन। इन दोनों गाड़ियों की अगर आप ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को अगर देखते हैं तो शुरू करते हैं मारुति जिम्नी से। मारुति जिम्नी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 210 mm का, अप्रोच एंगल मिलेगा आपको 37 डिग्रीज का, ब्रेक ओवर एंगल होगा 28 डिग्रीज, गाड़ी का डिपार्चर एंगल होगा 49 डिग्रीज। अगर हम ये सब स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा थार में देखते हैं, महिंद्रा थार में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का मिल जाएगा, गाड़ी का अप्रोच एंगल होगा 44 डिग्रीज, ब्रेक ओवर एंगल होगा 15 डिग्रीज, डिपार्चर एंगल होगा 27 डिग्रीज। इन मायनों में भी ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच एंगल को देखते हैं तो महिंद्रा थार एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेटर ऑप्शन साबित होता है मारुति जिम्नी के कंपेयर में। दोनों भी SUVs में आपको रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेयरिंग मिल जाएगा, लो रेंज के लिए गेयरबॉक्स मिल जाएगा, फोर व्हील ड्राइव्स के साथ दोनों SUVs आपको आ जाएंगे, दोनों में आपको लॉकिंग डिफरेंशियल्स मिल जाएगा। उसके अलावा थार में आपको मैकेनिकल वन और जिम्नी में आपको ब्रेक LSD ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। गाड़ी की अगर आप कॉस्टिंग की बात करोगे तो ये दोनों गाड़ियाँ आपको 10 लाख से लेके 15 लाख की रेंज में मिल जाएगी। अब रहा सवाल कि इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए सूटेबल कौन सी है। अगर आपको ऑफ रोडिंग के साथ साथ हाईवे क्रूजिंग्स के भी मज़े लेने हैं तो जाहिर सी बात है आप महिंद्रा थार ही ऑप्ट कर सकते हो। अगर हम जिम्नी की बात करते हैं तो ये गाड़ी भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग के लिए रिजल्ट दे देगी। साथ ही साथ स्पेस वाइज ये गाड़ी थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आपके फैमिली में काफ़ी कम लोग हैं और आप ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जिम्नी का वेट टू पावर रेशियो थार के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका कीमती समय देके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना ऑडोजोन इंडिया।